नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि डेलर्ट बीटीसी प्रथम सेमेस्टर गणित रिवीजन लेके आया हूँ, और जो बच्चे मैथ में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं फुल्ली गारंटी आपको दे रहा हूँ कि आपके 25 में से 25 आएंगे। बस शर्त यही है, जितने मैं आपके टेस्ट लगवा दूँ आप उतने टेस्ट लगा लो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हम रिवीजन शुरू करते हैं। आज मैं सारे क्वेश्चन मैं पहले प्रतिशत के कराऊंगा आपके। बहुत सारे बच्चों को इन क्वेश्चनों में डाउट बहुत होता है कि 4 का 3% निकालें या 24.80 का कितने प्रतिशत होगा, 1200 का कितना प्रतिशत होगा, या 800 का 25% कितना होगा, या 500 का 20% वही होगा जितना कि। ऐसे ही 5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, 4 का 3%। अब इस क्वेश्चन को बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि 4 की जगह 4 लिखते हैं और का की जगह गुणा लगाते हैं और 3 का 3 और परसेंट हटाते हैं 100 लिख देते हैं। ऐसे करके वो 4 दिया 12 बटे में 100, फिर ये 3 2 से काट लेंगे, 2 6 12 फिर 50, फिर 2 3 6 फिर 25, मतलब 3/25% लिख के आ जाते हैं और ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा 4 का 3% निकालो, यहाँ पे पूछ रहा है 4 का है। यहाँ पे जो कॉमा है ना, यहाँ पे कॉमा आपको लगाना पड़ेगा, 4 का 3% है ये पूछना चाह रहा है। जैसे मैंने कहा आपके पास 4 रुपये हैं तो 4 में से आप 3 मुझे दे दो, ये पूछना चाह रहा है, 4 में से आप मुझे 3 दे दो। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो मैं इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि आपके कभी स्कूल में टेस्ट होते हैं ना, तो टेस्ट में याद रखना, जैसे मान लो सपोज करो 10 का टेस्ट हुआ, तो भाई 10 में से कभी 11 नंबर आपको क्या मिले तो नहीं, तो बस याद रखना 10 में से 10 तो मिल सकते हैं लेकिन 10 में से 9 मिल सकते हैं। तो याद, हमेशा नीचे वाला बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा होता है। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो कभी भी आपका प्रतिशत में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यही पूछना चाह रहा है कि 4 का टेस्ट हुआ था और उसमें से मुझे नंबर मिले 3, बस इसी का परसेंट निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 4 से कट जाएगा, 4 2 8 2 हासिल दिए, 4 5 20 25 3 75। तो इसका मतलब 4 रुपये जो थे उसमें से 3 का आपने परसेंट निकाल के बताना है कितने परसेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 75%। चलिए दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, 24.80 का कितने प्रतिशत होगा। बस वही तरीका जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, बस वो ट्रिक हमेशा फॉलो करना। सपोज करो 80 का टेस्ट था स्कूल में आपका और उसमें से आपके सिर्फ 24 नंबर आए बस, और परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई आप काट लीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 3 24 तो 10 3 30, तो 30% आपका क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। बहुत सारे कमज़ोर छात्र हैं, उनको ये चीज़ निकालनी नहीं आती इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ऐसे चलिए तीसरा क्वेश्चन है, देखिए मान लो सपोज़ करो 1200 का टेस्ट था, 1200 का क्या था टेस्ट, उसमें से सिर्फ आपके कितने नंबर आए, 40 नंबर आए, और परसेंट निकालने के लिए आप बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, अब क्या बचा हमारे पास, 12 है, इसको 4 से काट लीजिए, 4 3 12 4 2 40, तो आपका आया 10/3। इसको जब भाग कर लेंगे तो 3 3 9 1/3, तो 3 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है, 800 का 25% कितना होगा। तो ये क्वेश्चन होता है उस टाइप का, देखिए 800 का जब भी परसेंट देगा ना तो भाई यहाँ पे का की जगह पे आप गुणा लगा देंगे और 25 की जगह 25 और परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे 100, तो बस 2 0 से 2 0 कट गए। तो आपका देखिए 25 8 गुणा कर लीजिए, 25 8 कितना आ जाएगा 200, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछेगा। ये पूछ रहा है 500 का 20% वही होगा जितना कि इस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन उठा उठा के रखने हैं। तो देखो पहले तो हम 500 का 20% निकाल लेते हैं, जैसे हमने अभी ये निकाला है, तो 500 का 20% आप निकालिए, तो 20% आएंगे नीचे 100 बढ़ा लेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 50 दूनी 100, मतलब 500 का 20% 100 होता है, हमने निकाल लिया। अब इस ऑप्शन में जिसका भी 100 आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले इस वाले पहले ऑप्शन का निकाल के देखता हूँ, 700 का 30% निकालता हूँ, कितना 30%। तो देखिए परसेंट के हटाएंगे नीचे 100 बढ़ा लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 7 3 21, इसका मतलब यहाँ पे आया कितना 210, तो ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। अब देखते हैं 800 का 12.5%, तो मैं इसको यहाँ निकाल देता हूँ, 800 का 12.5, 12.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना,
12.5, अब देखिए अब परसेंट हटाएंगे नीचे क्या बढ़ाएंगे, सो अब देखिए पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे, मतलब यहाँ से पॉइंट आपने हटाया और एक जीरो आपने और बढ़ा ली। अब देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब देखिए पाँच से काट लीजिए, पाँच दूनी दस, पाँच दूनी दस, दो से लिए पचम 25, अब दो से ये काट लीजिए, दो चौक 8, तो आपका ऊपर बचा 4 और 25, 25 चौक 100, इसका मतलब यही ऑप्शन ऐसा है जो 800 का 12.5% भी सो आएगा और 500 का 20% भी सही आएगा। यही पूछ रहा था कि 500 का 20% वही होगा जितना कि 12.5% होता है 800 का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसका भी निकाल के देख लीजिए, 250 का 60% निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे, दो जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो से दो जीरो कैंसिल, अब 25 छक्के आपका हो गया 150, तो ये तो होगा नहीं, ऐसे इसका भी निकाल दीजिए। देखिए 400 का 50%, परसेंट हटाएंगे नीचे, दो जीरो बढ़ाएंगे, तो देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, आपका हो गया 200, 4×5=20, 200, तो ये भी नहीं है, तो 200 यहाँ आ रहा है, यहाँ 150 आ रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन ऐसा था जिसका आपका 100 आएगा। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। 18% का भिन्न रूप होगा, मतलब यहाँ पे परसेंट दिया ना तो भिन्न पूछ रहा है, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, देखिए 18 लिख लीजिए और परसेंट हटाएंगे नीचे क्या बढ़ाएंगे, 100, अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं तो उसको यहीं छोड़ दीजिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 9 18 और 2 5 10, 0 का 0, अब तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो 9/50 ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 9/50। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं बतानी है, तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से कटती हैं और खुद के टेबल से कटती हैं, याद रखना अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक के पहाड़े से कट जाएं और खुद के, एक के पहाड़े से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, बस खुद के पहाड़े से जो कटें वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो 31 और 33, तो 31 तो एक से कटेगी और खुद के पहाड़े से कटेगी, लेकिन 33 जो है वो 11 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अच्छी देखिए 33 यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छी देखिए 39 जो है 13 से भी कट जाएगा, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। बस 31 और 37 जो हैं वो 1 से कटेंगे और खुद के बाड़े से कटेंगे, तो यही एक अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। 5.7 में 7 का स्थानीय मान बताइए, तो देखिए मैं इसको बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है जातीय मान, क्या पूछता है जातीय मान, और एक पूछता है स्थानीय मान, तो याद रखना जाति आपकी कभी चेंज नहीं होती है, कभी नहीं बदलती, याद रखना कभी नहीं बदलती है, क्यों, क्योंकि जाति आपकी जो है वही रहेगी, बस स्थान आपके चेंज होते रहते हैं, ऐसे याद कर लो। अगर आप अभी दिल्ली में हैं तो कल को हो सकता है मुंबई में रहने जाएं, हो सकता है आप अभी कहीं पे हैं तो कहीं और रहने जाएं, तो आपके स्थान तो चेंज होते रहते हैं लेकिन आपकी जो जाति है वो कभी चेंज नहीं होती, तो स्थान हमेशा चेंज होते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया है ना, तो पॉइंट में ये पूछ रहा है कि 7 का बताओ, तो देखिए 7 का पूछ रहा है ना, तो 0.7 का पूछ रहा है, तब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 7/10, कुछ बच्चे इसको 7 लिख के जाते हैं और ये गलत हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो अनुवर्ती क्या होता है आपको पता है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती इसमें क्वेश्चन बनता है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, अब अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में भी बच्चा कंफ्यूज बहुत रहता है, तो अनुवर्ती का मतलब होता है इसकी आने वाली और पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या होती है, कौन सी आने वाली, देखो आ से स्टार्ट है ना आने वाली, और अगर यहीं पे पूछता पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले होता, तो 13 की आने वाली संख्या कौन सी होगी, तो 13 की आने वाली होगी 14, लेकिन अगर यहाँ पे पूछता 13 की पूर्ववर्ती तो आपका आंसर 12 सही हो जाता, मतलब पहले वाली संख्या 12 और बाद वाली संख्या 14, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहे हैं। किसी कक्षा में 30 बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने बच्चे अनुत्तीर्ण, बच्चे यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ पे अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो टोटल हमारे पास कितने बच्चे दिए हैं 30, बस कुछ नहीं
30 का आप निकाल लो 80%, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 80% बच्चे क्या हुए उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण आपको बच्चे पता चल जाएंगे। तो मैंने इसका 80% निकाल दिया, देखो 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0, 8 3 24, टोटल थे कितने बच्चे आपके क्लास में, 30 बच्चे जो थे। देखो टोटल आपके कितने बच्चे थे, 30, और 30 में से 24 बच्चे क्या हो गए पास, तो जाहिर सी बात है आपके फेल कितने होंगे, तो 30 में से 24 तो आपके हो गए पास, तो इसका मतलब 6 बच्चे क्या हुए हैं फेल हुए, बस यही आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण ही तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अगर ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।